Hello student, hope you will be fine. And guys, we are doing chapter number 7 and exercise 7.1, question number 5. What is written in question number 5? In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. इसी क्लासरूम में चार स्टूडेंट हैं, चार फ्रेंड हैं और वो चार के चार फ्रेंड वहाँ पोजिशन दिखा रखी है उनकी ए बी सी डी इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इन फिगर 7.8, फिगर का नाम 7.8 यहाँ पे फिगर है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली जो है वो क्लास में जाते हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम ये नहीं सोचते कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? तो कह रहे चमेली डिसएग्री, चमेली जो है वो असहमत होती है, ठीक है, डिसएग्री होती है उससे। कह रहे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है कि चमेली सही है या चंपा सही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले, इसमें पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे आपके ए के। देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस चेक करेंगे, एक्स एक्सिस कितना है 3 और वाई एक्सिस कितना है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3, 4। एक्स एक्सिस पे 3 गए, वाई एक्सिस पे 4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट बी ये है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस देखिए 6 और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है 7, तो इसका कोऑर्डिनेट है 6, 7। ओके स्टूडेंट, एंड सी सी पॉइंट देखिए आप, सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस कितना है 9 और वाई एक्सिस कितना है 4, ये 4 पे आ रहा है तो 9, 4, क्लियर। एंड डी पॉइंट चेक करिए, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके, एक्स एक्सिस ये 6 और y एक्सिस कितना है 1, तो ये हो गया 6, 1। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर अगर बताना है तो उसके लिए ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये इस तरीके की फिगर बन रही है आपकी, तो हम देखते हैं क्या बनेगा ये। तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। एंड ए बी, ए बी में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स टू हाउ मच 6, एक्स वन 3 होल स्क्वायर ऑफ दिस प्लस वाई टू 7 एंड वाई वन इज 4 स्क्वायर ऑफ दिस, नाउ सिंप्लीफाई, इट विल बी स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 9 स्क्वायर 3 9 स्क्वायर 3 9 रूट 18, और वी कैन राइट इट स्क्वायर रूट 9 इनटू 2, सो इट विल बी ए बी विल बी 3 रूट 2 यूनिट, ओके ए बी। नाउ फाइंड बी सी, लिखेंगे 4 बी सी, बी कोऑर्डिनेट इज 6, 7 एंड सी कोऑर्डिनेट इज 9, 4। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, राइट बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला, वन टाइम यू विल राइट इन होल क्वेश्चन, ओके। एक्स टू माइनस एक्स वन, इट मीन्स एक्स टू 9 माइनस एक्स वन इज 6 होल स्क्वायर ऑफ दिस प्लस वाई टू 4 माइनस वाई वन इज 7 स्क्वायर ऑफ दिस, नाउ स्क्वायर रूट यू विल फाइंड 9 माइनस 6 3 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 3, सो व्हाट इट बिकम नाउ, रूट 9 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 18 दैट इज 3 रूट 2, क्लियर। बी सी 3 रूट 2 आ गई आपके पास। अब आप फाइंड आउट करिए यहां से सी डी, लिखेंगे 4 सी डी, सी कोऑर्डिनेट है 9, 4 और डी का कोऑर्डिनेट है 6, 1, दिस इज एक्स वन वाई वन दिस इज एक्स टू वाई टू, नाउ फाइंड सी डी इक्वल्स टू रूट एक्स टू दैट इज 6 एक्स वन इज 9 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस वाई टू 1 वाई वन 4
Now square root minus 3 square plus minus 3 square. So what is this? Is square root 9 plus 9. It will be square root 18. This will be 3 root 2. Okay, CD भी 3 root 2 आ गई आपकी. Now find AD. This one. लिखेंगे 4 AD. A के कोऑर्डिनेट है 3.4 और D का कोऑर्डिनेट है 6.1. Again x1, y1 and x2, y2. So AD again distance formula square root x2 6 x1 3 square plus y2 1 y1 4 square of this. Now square root, this is square of 3 plus this is square of minus 3. So what it will be? Square root 9 plus 9, this is square root 18. So it become 3 root 2. Okay, look, AB 3 root 2, BC 3 root 2 and CD 3 root 2 and AD 3 root 2. Okay, four sides equal hai. Ab isme confusion dur karne ke liye bhi isme ek diagonal equal length ki honi chahiye. To uske liye aap AC और BD निकालेंगे डायगोनल अभी. तो आप पहले डायगोनल निकाल लेते हैं हम यहां से. ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउ फाइंड डायगोनल, डायगोनल AC. कोऑर्डिनेट ऑफ A 3.4, C 9.4. अगेन यू विल यूज डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंडिंग AC, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. y2 इज 4 एंड y1 इज 4. ओके सो यू विल राइट हियर 9 माइनस 3 6 स्क्वायर ऑफ 6 प्लस, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 36, दैट विल बी 6. AC इक्वल्स टू दिस. नाउ फाइंड डायगोनल BD. मैं लिखेंगे 4 BD. तो B के कोऑर्डिनेट है 6.7 एंड D के कोऑर्डिनेट है 6.1. दिस इज x1 y1 एंड x2 y2. नाउ फाइंड BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इज 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 7 होल स्क्वायर. सो इट बिकम स्क्वायर, दिस इज 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, इट इज स्क्वायर रूट 36, that is 6. Okay, so we will write here, since AB equals to BC equals to CD equals to AD and AC equals to BD, therefore given points are the vertices of a square. Okay student, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. तो क्या आया निकल के? स्क्वायर आया. ओके वाज आस्किंग चंपा आस चमेली डोंट यू थिंक इट इज स्क्वायर. चंपा इज करेक्ट. ओके सो यू विल डू दिस.